हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक पोर्ट्रेट की आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा एंड तक रहे और अच्छे लगे तो एक लाइक दे दे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, मेरे ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पाने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक आई को फुल डिटेलिंग से ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो देखते रहो मैं कैसे एक आई को फुल डिटेलिंग से ड्रॉ कर लेता हूँ आउटलाइन। आप लोगों को भी ठीक इसी तरह ड्रॉ कर लेना है आउटलाइन, वो भी आई के, क्योंकि इस आई से ही पूरे पोर्ट्रेट आ जाएगा। इसके लिए पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहो। हमारा इस पोर्ट्रेट का आई का ऊपर एंड नीच में जो रेखा है उसको भी एकदम डिटेलिंग से आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक जैसे देख रहे हो वैसे ही करना पड़ेगा। मैं अभी आई की अंदर में जो सर्कल है उसको फुल डिटेलिंग से ड्रॉ कर लेता हूँ आउटलाइन, क्योंकि इसके ऊपर पेंसिल से शेडिंग या वाटर कलर से कलर करने के समय ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। और अगर आप बिगिनर्स हो तो ठीक इसी तरह आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से आउटलाइन एकदम प्रॉपर आता है। हम जिस आई को पहले स्टार्ट करेंगे उस आई को एकदम फुल डिटेलिंग से एकदम अच्छे से कर लेना होगा, क्योंकि इस आई से ही पूरे पोर्ट्रेट आएगा, क्योंकि इस आई के साइज़ का ही पूरे पोर्ट्रेट के हर पार्ट्स ड्रॉ करना पड़ेगा हमको आउटलाइन के लिए। तो इस आई को एकदम प्रॉपर ड्रॉ कर लेना है पहले, नहीं तो एट लास्ट जाकर हमारा पोर्ट्रेट का आउटलाइन नहीं मिल सकता। ठीक जैसे मैं कर रही हूँ अभी,
आप लोगों को भी इसी तरह से करना होगा। कि करना क्या है, मोबाइल फोटोग्राफी के आई के साइज़ के मुताबिक उसके आईब्रोज़ कितने ऊपर है वो फोटोग्राफ से पता कर लेना है। उसके बाद हमें हमारे जो पेज पे आई ड्रॉ करे हैं हम उसको उस तरह से माप के उसके साइज़ के आईब्रोस कर लेना होगा हमें हमारे पेज पर। हमें इस आई का आईब्रोस भी एकदम प्रॉपर से कर लेना होगा एंड वो जितने ऊपर होगा वो सही से माप लेकर करना पड़ेगा क्योंकि इस आई का एक वाइटल पार्ट आईब्रोस भी है। बहुत आर्टिस्ट कहते हैं कि आप पहले मोबाइल फोटोग्राफ जो है उसको अपनी पेज की साइज़ के जूम कर ले, लेकिन मैं लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप पहले इस एक आई को एकदम प्रॉपर से ड्रॉ कर ले उसके आईब्रोज के साथ। उसके बाद आप उस आई को मोबाइल फोटोग्राफिक के आई के मुताबिक मोबाइल फोटोग्राफिक में आई के साइज़ में और क्या क्या है और उसके डबल क्या क्या है वो माप लेकर अपने फोटोग्राफ यानी कि अपने पेजों में जो आउटलाइन ड्रॉ करे हैं हम उसको माप लेकर उसके मुताबिक हमें हमारे पेज पर ड्रॉ करना है बाकी पार्ट्स। अब आप लोगों को करना क्या है, मोबाइल फोटोग्राफी के दोनों आँख को अपनी उंगली से या पेंसिल से इस पता कर लेना है एंड उसके बाद दोनों आँख के बीच के डिस्टेंस कितना है ये भी लेना है हमारा मोबाइल फोटोग्राफ की से। ठीक जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को, आपको भी ठीक इसी तरह करना पड़ेगा तभी आपका भी आउटलाइन प्रॉपर आ सकता है। और पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए एक वाइटल पार्ट है हमारा आउटलाइन, इसलिए आउटलाइन को एकदम प्रॉपर से करना हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत सारे आउटलाइन ड्राइंग देखते हो यूट्यूब पे या अदर्स कोई वीडियोस पे तब भी कुछ नहीं होगा अगर जब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करोगे। अगर आप मेरे इस वीडियो को देखकर इस तरह से आज से और अभी से स्टार्ट कर दे तो 100% गारंटी देकर मैं आपको कहता हूँ कि आपका भी आउटलाइन एकदम मेरा जैसा और मुझसे भी बढ़िया एक दिन ज़रूर आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पोर्ट्रेट के दोनों आँखों का बीचों का डिस्टेंस है एक आई के यानी कि एक आई के साइज़ के मुताबिक। तो अब हम एक आई के साइज़ के डिस्टेंस छोड़ के दूसरे आई को भी स्टार्ट कर देते हैं एकदम प्रॉपर से एंड उसके भी आउटलाइन को प्रॉपर से ड्राइंग कर देंगे क्योंकि ये भी एक दूसरा वाइटल पार्ट है इस पोर्ट्रेट का और ये है दूसरा आँख। पहली आई की तरह मैं इस आई का भी बीचों का सर्किल को डिटेलिंग से आउटलाइन कर लेता हूँ।
इसका भी आईब्रोज आई के साथ ही हमें ड्रॉ कर लेना होगा, क्योंकि आईब्रोज इस आई का भी एक वाइटल पार्ट जो है। जब हमारा दोनों आँख कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस पोर्ट्रेट का नोज़ ड्रॉ करेंगे, वो भी प्रॉपर से आउटलाइन ये भी आएगा एक आँख के मुताबिक, जो आँख हम एकदम पहले स्टार्ट किए थे। तो फिर से मोबाइल फोटोग्राफ की मुताबिक हमें पेंसिल से मोबाइल फोटोग्राफ की पोर्ट्रेट को एक आँख के मुताबिक माप लेना है, और उससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो नोज़ है उसके लेंथ है दो आँख जुड़ के जितने साइज़ होते हैं ठीक उस उतने, यानी कि दोनों आँख को एक साथ हम अगर जोड़ देते हैं तो जितने लेंथ आते हैं हमारा पोर्ट्रेट का नोज़ भी उतने ही होता है। अब मैं इस पोर्ट्रेट का एक और वाइटल पार्ट एकदम प्रॉपर से आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप सब भी ठीक इसी तरह से पहले आँख ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद दोनों आँखों के बीच का डिस्टेंस छोड़ के नोज़ स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से नोज़ के बाद आएगा लिप, ऐसे पूरा फेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो आउटलाइन है वो भी प्रॉपर दिखने को मिलेगा हमको। अब हम करेंगे क्या, लीप को एकदम प्रॉपर से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं स्टार्ट कर दिया।
लीप ड्राइंग करने के वक्त ये याद रखना पड़ेगा कि लीप के साथ ही हमें उसका टीथ भी ड्रॉ कर लेना होगा प्रॉपर, क्योंकि ये एक स्माइलिंग फेस है, वो भी टीथ निकले हुए है इस पोर्ट्रेट का। तो अब मैं लिप का नीचे का हिस्सा भी पूरा कर लेता हूँ। क्योंकि मुख के अंदर के पार्ट्स को भी जब हम कलर या पेंसिल से स्केच करेंगे तब हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग सी कलर हमें दिखने को मिलेगा और शेडिंग हमें दिखने को मिलेगा अगर हम पेंसिल से इस पोर्ट्रेट को करें तो। इसलिए हमें इस लिप के यानी कि मुख के अंदर के पार्ट्स हैं उसको एकदम हाई डिटेलिंग से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत धीरे से हमको कलर या शेडिंग करना पड़ेगा। अब हम इस पोर्ट्रेट का नोज़ के नीचे से कितने साइज़ है ये पता करेंगे हमारे मोबाइल फोटोग्राफिक के द्वारा। तो ये भी हमें पेंसिल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्माइलिंग फेस है, इसलिए इस पोर्ट्रेट का नोज़ के नीचे के पार्ट बहुत ज़्यादा लंबाई है, इसलिए इसको हम देख पा रहे हैं कि ये पोर्ट्रेट का लिप जो है ऊपर ऊपर का लिप से एकदम नीच तक ये पार्ट आएगा जो नोज़ के साइज़ के है। हर बार तो पोर्ट्रेट में ये होता है कि नोज़ के जितने लंबाई है उसी के मुताबिक नोज़ की ऊपर के हिस्सा एंड नीचे के हिस्से मिलकर एक पोर्ट्रेट तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा जो मुख है वो बंद हो रहता है, लेकिन इस पोर्ट्रेट में ये एक स्माइलिंग फेस है इसीलिए ये थोड़ा अलग है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले स्माइलिंग फेस को नहीं स्टार्ट करके पहले बहुत सारे अनस्माइलिंग फेस को ड्रॉ करेंगे आउटलाइन, उसके बाद धीरे धीरे से स्माइलिंग फेस को भी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो एट फर्स्ट अगर आप स्माइलिंग फेस को ड्रॉ करना शुरू कर दें तो बहुत गलतियाँ दिखने को मिलेगा और आप बहुत अनमोटिवेटेड हो पड़ोगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले अनस्माइलिंग फेस को
आउटलाइन प्रॉपर से ड्रॉ करना सीख लो, उसके बाद ही स्माइलिंग फेस को करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे आप लोगों का एक फ़ायदा होगा कि आप पहले एकदम आप पे पूरा विश्वास के साथ ड्रॉ करते करते आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगा कि अब हम कोई भी पोर्ट्रेट के आउटलाइन एकदम प्रॉपर से कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात कह रही हूँ, गलती से भी आप इसको गलती से मत लेना, क्योंकि मेरा काम है सच बोलना और मैं आप लोगों को बस ये सिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से आप मेरे जैसा और मुझसे भी बढ़िया पोर्ट्रेट की आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं भी पहले आउटलाइन ड्रॉ नहीं कर पाता था, लेकिन उसके बाद मैं इस स्टेप के मुताबिक और प्रोसेस के मुताबिक जब से स्टार्ट कर चुका हूँ, तब से मेरा धीरे धीरे पोर्ट्रेट की आउटलाइन ग्रो कर चुके हैं और मैं अभी अच्छे से पोर्ट्रेट का आउटलाइन थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर आ जाता है और कर पाता हूँ। अब हमारा आई नोज़ एंड लिप यानी कि मुंह के तीसरे पार्ट ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें पोर्ट्रेट का बैकग्राउंड को एकदम अच्छे से डिटेलिंग से आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। तो बैकग्राउंड के लाइन को भी एकदम प्रॉपर से ड्रॉ कर लेते हैं हम। अगर अब बिगिनर्स हो तो पहले आई से स्टार्ट अगर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो पेज में पोर्ट्रेट स्टार्ट करोगे उसके ऊपर और नीच में थोड़ा गैप रख कर एकदम मिडिल से आई को स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो बाद में वो पोर्ट्रेट उस पेज में नहीं आते हैं।
हम देख पा रहे हैं कि इस पोर्ट्रेट का ऊपर का हिस्सा नोज से थोड़ा छोटा है, क्योंकि ये एक स्माइलिंग फेस है। इस फेस का मेन पार्ट है इस पोर्ट्रेट का स्माइल, इसीलिए ये पोर्ट्रेट थोड़ा बहुत हार्ड होगा बिगिनर्स के लिए। फिर भी कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होता, इसलिए ये बिगिनर्स आसानी से ही कर पाएगा, ये मेरा पूरा यकीन है। मैं इस पोर्ट्रेट का दूसरे साइड के बैकग्राउंड यानी कि उसके गाल और ईयर्स को भी अच्छे से डिटेलिंग से आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको एकदम मोबाइल से माप लेकर उसको ही पेज पे नहीं बिठा के, आपको अपने पेज का साइज़ के यानी कि पेज में जो आई और मुंह आप ड्रॉ करे हैं उसके साइज़ के बाकी पार्ट्स ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पोर्ट्रेट में बहुत गलतियाँ हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात ध्यान से रखना है कि मोबाइल फोटोग्राफ की माप को हमें हमारी आउटलाइन के पेज में नहीं बैठाना है।
अब मैं इस पोर्ट्रेट का जो साड़ी है उसका थोड़ा बहुत पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। इस एयर को भी हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। जब हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है तब हम हमारा जो एक्स्ट्रा लाइन है हमारे पोर्ट्रेट में उसको हम रबर से और इरेजर से मिटा देंगे। मैं इस पोर्ट्रेट का बिंदिया को ड्रॉ कर लेता हूँ। हमें इस पोर्ट्रेट का नोज़ का जो शैडो इस फेस में गिरे हुए हैं उसको भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि शेडिंग के वक्त और कलर के वक्त ये हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। जैसे आप अभी आप लोग देख रहे हो, आप भी अगर इसी तरह से स्टार्ट करें पोर्ट्रेट का आउटलाइन, तो आप लोगों को भी पोर्ट्रेट का आउटलाइन ड्रॉ करना बहुत आसान लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू टू माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।